नमस्कार दोस्तों एजुकेशन ट्वेंटी फोर में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा तो आइए देर देरना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बी ए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि तो आप इस बिना पूरा के प्रश्नों के बारे में पता चल सके शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मूर्ख राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मूर्ख राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन द टर्म आउट ओ बायोग्राफी एक्सप्लेन द टर्म आउट अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मूड वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मुड अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन टून राइट ए ब्रीफ नोट ऑन टून अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वाट इज एंथीसिस व्हाट इज एंथीसिस अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू लोना हाउ डज द हॉर्स सर्व एज ए ट्रू फ्रेंड एंड कैंपेनियन टू लोना अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डिड रवी फील एट द एंड ऑफ गेम हाउ डिड रवि फील एट द एंड ऑफ गेम अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए समरी ऑफ ए से ऑफ स्टडीज रिटेन बाई बेकन राइट ए समरी ऑफ ए से ऑफ स्टडीज रिटेन बाई बेकन अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ

व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे फॉर द विलेजर्स अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों के ग्राहक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों ग्रह क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट्रीओटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका बारहवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट एंड इंट्रोडक्शन टू टैगोर एंड हिज इंडिया राइट एंड इंट्रोडक्शन टू टैगोर एंड हिज इंडिया अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तेरहवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉग राइटिंग वाट आर डिस एडवांटेज ऑफ ब्लॉग राइटिंग अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौदहवा क्वेश्चन दिया हुआ है वाट इज कंटेंट राइटिंग वाट इज कंटेंट राइटिंग अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पंद्रहवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बन एंट्री राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बन एंट्री अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सोलहवा क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट leaf. अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर तो दोस्तों आपका सत्रहवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए ब्रीफ नोट एंड पैथोस राइट ए ब्रीफ नोट एंड पैथोस अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर तो दोस्तों आपका अठारहवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज एन इनवर्जन व्हाट इज एन इनवर्जन अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको उन्नीसवा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंसन ए फ्यू स्टैंडर्ड मेमर इन इंग्लिश एंड मेंशन ए फ्यू स्टैंडर्ड मेमर्स इन इंग्लिश एंड देयर ऑथर्स अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका बीसवा क्वेश्चन दिया हुआ है गिव एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश गिव एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इंग्लिश तो ये दोस्तों आपके टोटल बीस क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघुत्तीय प्रश्न में पूछे जाएंगे अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घो प्रश्नों के बारे में जानेंगे यानी कि आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है गिव ए जनरल एस्टिमेट ऑफ टाइगोर एज ए पोएट गिव ए जनरल एस्टिमेट ऑफ टाइगोर एज ए पोएट अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड गिव हीज कैरेक्टरेस्टिक्स डिफाइन शॉर्ट स्टोरी एंड गिव इट्स कैरेक्टरेस्टिक्स अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइस अ प्रोज कॉमेंट इट ह्यूमर एंड पैथोस आर मे डिवाइस ऑफ रोज कॉमेंट इटर अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है द लास्ट लिफ इज ए स्टोरी ऑफ होप एंड फाइटिंग द ओट जस्टिफाई द लास्ट leaf इज ए स्टोरी ऑफ होप एंड फाइटिंग द वर्ड्स जस्टिफाई अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है वाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द टेरर व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द टेरर अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी गेम ए टी लाइट व्हाट is इज द थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स TV light? लाइट अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ बेकंस Bring ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ बेक अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है What आर द चीफ फीचर ऑफ lamps स्टाइल वाट आर द चीफ फ्यूचर ऑफ लाइफ स्टाइल अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन जोसेन आइज एन एसिस्ट विथ इम्फासिस्ट ऑन हिज प्रोज स्टाइल राइट ए नोट ऑन जोसेफ एडिशन आइज एन एसिस्ट विथ इम्फासिस्ट ऑन हिज प्रोज स्टाइल अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दसवा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू नाउ अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन गिव एन एग्जाम्पल आर टी आई वट डू यू नाउ अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन गिव एन एग्जाम्पल आर टी आई तो दोस्तों ये टोटल आपके दस क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ दीर्घी प्रश्न से पूछे जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु तीर प्रश्न और दीर्घ तीर्थ प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए दोस्तों आप इन क्वेश्चन को किसी किताब से सीरी से मिलाकर याद कर, कर लीजिए या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अगली वीडियो में दे दूंगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए थैंक यू